नवीनतम अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बिल ऑफ लेडिंग के नियम और शर्तें। यह प्रस्तुति JBS एकेडमी द्वारा तैयार किया गया एक ट्यूटोरियल है जो उपयोगकर्ताओं को बिल ऑफ लेडिंग तैयार करने की बारीकियों को सीखने में मदद करता है। ये सामान्य दिशा निर्देश और विशिष्ट विवरण है जो भौगोलिक या कानूनी आवश्यकताओं के कारण भिन्न हो सकते हैं। यह वीडियो JBS एकेडमी द्वारा बिल ऑफ लेडिंग पर दिखाई देने वाले नियमों और शर्तों को सरल बनाने के लिए तैयार किया गया है। शिपिंग के विशेष मामलों के लिए कृपया मूल नियम देखें जो बिल ऑफ लेडिंग पर दिए गए हैं, क्योंकि विभिन्न कंपनियों में कुछ नियम भिन्न हो सकते हैं। समुद्री परिवहन के दौरान बिल ऑफ लेडिंग पर निम्नलिखित शर्तें हैं। परिभाषाएं। कैरिज का अर्थ है माल के संबंध में संयुक्त परिवहन ऑपरेटर CTO द्वारा किए गए सभी संचालन और सेवाएं। संयुक्त परिवहन का अर्थ है एक संयुक्त परिवहन अनुबंध के आधार पर परिवहन के कम से कम दो अलग अलग तरीके से माल की ढुलाई या किसी भी देश में अंतर्देशीय कंटेनर डेपो ICD या बंदरगाह से आता है, जहां संयुक्त परिवहन ऑपरेटर CTO द्वारा किसी अन्य देश में स्थित डिलीवरी के लिए निर्दिष्ट स्थान पर माल ले जाया जाता है। संयुक्त परिवहन ऑपरेटर CTO का अर्थ है एक संयुक्त परिवहन दस्तावेज CTD जारी करता है, जो अपनी ओर से या अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से माल के परिवहन के लिए एक संयुक्त परिवहन संपर्क समाप्त करता है। वे भी है जो संयुक्त परिवहन संपर्क के प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हैं, बशर्ते उनके पास अपने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के रूप में समुद्र के द्वारा माल की ढुलाई या तो मालिक या तो समुद्र में जाने वाले जहाज के चार्टर के रूप में हो। कंसाइनी का अर्थ है वह व्यक्ति जो माल की डिलीवरी लेने का हकदार है। कंटेनर में कोई भी कंटेनर, ट्रेलर, परिवहन योग्य टैंक, फ्लैट, फूस या माल को समेकित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिवहन के समान लेख शामिल हैं। डिलीवरी का अर्थ है माल को वितरित करना या माल को उसके निपटान में रखना जिस पार्टी को उन्हें प्राप्त करने का अधिकार है। फ्रेट में लागू टैरिफ के अनुसार CTO को दिए सभी शुल्क शामिल हैं। माल का अर्थ है शिपर से प्राप्त कार्गो और इसमें CTO द्वारा या उसकी ओर से आपूर्ति नहीं किया गया कोई भी कंटेनर शामिल है। धारक का अर्थ है उस समय के लिए CTD के कब्जे वाला कोई भी व्यक्ति है जिसे माल की संपत्ति, माल की खेप या CTD के समर्थन या अन्यथा के कारण पारित हुई है। अंतर्देशीय कंटेनर डेपो ICD का अर्थ उस स्थान से है जहां माल की सीमा शुल्क निकासी और उस देश में जहां ICD स्थित है। व्यापारी का अर्थ है और इसमें शिपर, कंसाइनी, CTD का धारक, रिसीवर और माल का मालिक शामिल है। मुद्दे का प्रभाव। इस CTD को जारी करना इन शर्तों में निर्धारित अधिकारों, दायित्वों और रक्षा में रुचि रखने वाले या इसके बाद प्राप्त करने वाले सभी पक्षों पर निर्धारित करता है और लगाता है। नेगोशिएबिलिटी और टाइटल टू द गुड। CTD व्यापारी द्वारा स्वीकार किया जाता है। ऐसा करने में व्यापारी और उसके हस्तांतरणकर्ता CTO से सहमत होते हैं कि जब तक कि गैर परक्रामय के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता है, यह माल और धारक के लिए एक शीर्षक का गठन करेगा। यह CTD प्रथम दृष्टया इस बात का प्रमाण है कि CTO यहाँ वर्णित वस्तुओं का प्रभार ले रहा है या उनकी जिम्मेदारी ले रहा है। जब इस CTD पर बातचीत की गई हो तो इसके विपरीत प्रमाण स्वीकार्य नहीं होगा। इस CTD को जारी करने की जिम्मेदारियां और दायित्व। CTO की कई जिम्मेदारियां और दायित्व हैं। परिवहन सामान, जिसमें डिलीवरी के समय इस तरह के परिवहन के लिए आवश्यक सभी सेवाएं शामिल हैं, उनके नाम पर होनी चाहिए। वे डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्य करने या प्राप्त करने के लिए सभी कार्य करते हैं। वे अपने एजेंटों या नौकरों के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के कृत्यों और चूकों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं जिनकी सेवाओं का उपयोग वह अनुबंध के प्रदर्शन के लिए करता है, जैसे कि इस CTD द्वारा प्रमाणित है।
वे हिरासत में माल प्राप्त करने के समय या डिलीवरी के समय या डिलीवरी में देरी के समय माल की किसी भी क्षति या हानि के लिए दायित्व ग्रहण करते हैं, फिर वह शर्तों के अनुसार मुआवजे का भुगतान करेगा। वे कवर किए गए परिहार का कार्य करते हैं। पार्टियों के अधिकार और कर्तव्य। कंसाइनर को सीटीओ द्वारा हिरासत में प्राप्त माल के समय सीटीओ की सटीकता की गारंटी देनी चाहिए कि कंसाइनर सीटीओ को सभी नुकसानों, क्षतियों और खर्चों के लिए क्षतिपूर्ण करेगा या इस तरह के विवरणों की अशुद्धियां या अपर्याप्तता से उत्पन्न होगा। कंसाइनर उन नियमों का पालन करेगा जो खतरनाक प्रकृति के माल की ढुलाई से संबंधित राष्ट्रीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसार अनिवार्य है। वह किसी भी मामले में सीटीओ द्वारा हिरासत में लिए गए खतरनाक माल की सही प्रकृति के बारे में सीटीओ को लिखित रूप में सूचित करेगा। उसे उन सावधानियों का भी उल्लेख करना चाहिए जिन्हें लेने की आवश्यकता है। यदि कंसाइनर सीटीओ को माल की प्रकृति के बारे में सूचित करने में विफल रहता है और माल जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक पाया जाता है तो उन्हें किसी भी स्थान पर उतारा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है या ज़रूरत पड़ने पर हानि रहित बना दिया जा सकता है। यह कंसाइनर के लिए बिना किसी मुआवजे के किया जा सकता है, जो सभी नुकसान, क्षति या देरी के लिए भी उत्तरदायी होगा। यदि सीटीडी परक्रामय रूप में जारी किया जाता है तो इसके विपरीत स्वीकार्य नहीं होगा। सीटीओ प्रथम दृष्टया इस सीटीडी में वर्णित माल की डिलीवरी के लिए उत्तरदायी होगा जब तक कि माल के नुकसान या क्षति की सूचना प्रदान नहीं की जाती है। नुकसान या क्षति के लिए दायित्व जब परिवहन का चरण ज्ञात नहीं है। सीटीओ परिवहन के किसी भी चरण में मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जब माल के नुकसान या क्षति का पता नहीं चलता है। यह नुकसान और क्षति किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या राष्ट्रीय कानून में इस संबंध में इंगित आर्थिक सीमा से अधिक नहीं होगी जिसे लागू किया जाना है। किसी भी मामले में दावा करने के हकदार व्यक्ति को वास्तविक नुकसान से अधिक राशि के लिए सीटीओ को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। जब माल के नुकसान या क्षति के संबंध में परिवहन का चरण ज्ञात नहीं है तो सीटीओ ऐसे मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि यह निम्न कारणों से हुआ हो। परेशक या परेशिति का कार्य या चूक, पैकिंग या दृश्य चिन्हों की अपर्याप्त या दोषपूर्ण स्थिति, कंसाइनर या कंसाइनी द्वारा माल की अनुचित हैंडलिंग, लोडिंग, स्टोरेज या अनलोडिंग, माल का अंतर्निहित उपाध्यक्ष, हड़ताल, तालाबंदी, रोक या श्रम का संयम जिसका परेषण सीटीओ उचित परिश्रम के अभ्यास से नहीं बच सका, कोई अपरिहार्य घटना या परिस्थिति, परमाणु संस्थापन के संचालक की कोई भी परमाणु घटना, उपरोक्त कारणों या घटनाओं में से एक या अधिक के कारण नुकसान या क्षति प्रदान करने का भार सीटीओ पर होगा। हानि या क्षति के लिए दायित्व। सीटीओ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या राष्ट्रीय कानून के अनुसार माल की क्षति और नुकसान के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। देरी के लिए दायित्व। सीटीओ देरी के लिए तभी उत्तरदायी है जब यह ज्ञात हो या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या राष्ट्रीय कानून प्रावधान के अनुसार निजी अनुबंध से दावेदार के निर्धारक को नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर दावेदार ने परिवहन के उस चरण के लिए ऑपरेटर के रूप में सीटीओ के साथ प्रत्यक्ष और एक अलग अनुबंध किया होता और किसी विशेष दस्तावेज के साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया होता जो इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए जारी किया जाना चाहिए तो आवेदन किया होता। वितरण को प्रभावित करने में विफलता। वितरण 120 दिनों में किया जाना चाहिए। यदि इस समय सीमा में ऐसा नहीं किया जाता है तो संयुक्त परिवहन संचालन के परिश्रमी संयोजन की अनुमति देना उचित होगा। इसके विपरीत साक्ष्य के अभाव में डिलीवरी प्राप्त करने के हकदार पक्ष को माल को खोया हुआ मानने का अधिकार देना होगा। टाइम बार। सीटीओ इन शर्तों के तहत सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएगा जब तक कि एक महीने के भीतर मुकदमा नहीं लाया जाता है माल की डिलीवरी या वह तारीख जब माल की वितरण की जानी चाहिए थी या वह तारीख जब शर्त 9 के अनुसार माल की डिलीवरी में विफलता इसके विपरीत सबूत के अभाव में पार्टी को डिलीवरी प्राप्त करने का अधिकार देती है।
माल को खो जाने के रूप में मानने का अधिकार देती है। धारणाधिकार सीटीओ के पास इस सीटीडी के तहत सीटीओ को दिए सभी राशि के लिए माल और उससे संबंधित किसी भी दस्तावेज पर ग्रहणाधिकार होगा। इसमें सभी भूमि आधारित शुल्क शामिल हैं और इसे वसूल करने की लागत के लिए और इसे किसी भी उचित तरीके से लागू कर सकते हैं जिसे वह उचित समझ सकता है। सामान्य औसत व्यापारी सामान्य औसत के किसी भी दावे के संबंध में सीटीओ को क्षतिपूर्ण करेगा। सामान्य औसत 1974 के यॉर्क एंटवर्प नियमों के अनुसार समायोजित और देय होगा, जैसे कि 1990 में संशोधित किया गया था। यदि यात्रा शुरू होने से पहले या बाद में कोई दुर्घटना, क्षति या आपदा होती है तो सीटीओ कानून द्वारा जिम्मेदार नहीं है। माल और व्यापारी संयुक्त रूप से और अलग अलग सीटीओ के साथ किसी भी बलिदान, हानि या व्यय के भुगतान के लिए सामान्य औसत में योगदान करेंगे। सीटीओ व्यापारी के कारण सामान्य औसत योगदान के लिए किसी भी ग्रहणाधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं होगा। यदि सीटीओ ने कंटेनरों के भंडारण में उचित सावधानी बरती है और यदि यात्रा का अभियोजन उसके बाद संकट में है तो भंडारण की गड़बड़ी के परिणाम में कंटेनरों को संभालने, उतारने, पुनः लोड करने और पुनः लोड करने की लागत की अनुमति सामान्य औसत में दी जाएगी। न्यूजासन क्लॉज यदि यात्रा शुरू होने से पहले या बाद में दुर्घटना, क्षति या आपदा सीटीओ कानून द्वारा जिम्मेदार नहीं है। माल और व्यापारी संयुक्त रूप से और अलग अलग सीटीओ के साथ किसी भी बलिदान, हानि या व्यय के भुगतान के लिए सामान्य औसत में योगदान करेंगे। यदि सीटीओ एक बचाव वाहन का मालिक है और उसका संचालन करता है तो उसे भी पूरी तरह से उसी तरह से भुगतान किया जाएगा जैसे कि बचाने वाला पोत किसी अजनबी का है। क्षेत्राधिकार इस सीटीडी द्वारा दर्ज किए गए संयुक्त परिवहन अनुबंध से संबंधित एक दावा या विवाद वादी के विकल्प पर एक अदालत में स्थापित किया जाएगा जो उस राज्य के कानूनों के अनुसार जहां अदालत स्थित है जिसके अधिकार क्षेत्र में सक्षम है निम्नलिखित स्थानों में से एक स्थित है। व्यवसाय का प्रमुख स्थान या उसके अभाव में वह स्थान जहां संबंधित परिवहन ठेका किया गया था। संयुक्त ट्रांसपोर्टरों के लिए माल प्रभारी लेने का स्थान, वितरण का स्थान या इस सीटीडी में उस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट कोई अन्य स्थान। 14 ई पोर्ट टू पोर्ट शिपमेंट के मामले में लदान के इस बिल को स्वीकार करने में व्यापारी और परिषदि स्पष्ट रूप से इसकी सभी शर्तों, अपवादों और शर्तों पर मुहर लगाते या मुद्रित होने के लिए सहमत होते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि यह बिल ऑफ लेडिंग भारत के कानून द्वारा शासित होगा और इसके तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को किसी अन्य देश के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बहिष्कार के कानून के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सीटीओ का टैरिफ लागू टैरिफ अनुरोध पर सीटीओ या एजेंटों से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस सीटीडी और लागू टैरिफ के बीच असंगति के मामले में इस सीटीडी की शर्तें लागू होती हैं। वारंटी व्यापारी के पास उस व्यक्ति का अधिकार है जो माल और सीटीडी का मालिक है या उसके कब्जे का हकदार है। उपअनुबंध यह सीटीओ माल के संबंध में सीटीओ द्वारा किए गए सभी कर्तव्यों को किसी भी शर्त पर पूरे कैरेज, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग या सभी कर्तव्यों को संभालने का हकदार होगा। व्यापारी यह वचन देते हैं कि सीटीओ के किसी भी नौकर, एजेंट या उप ठेकेदार के खिलाफ कोई दावा या आरोप नहीं लगाया जाएगा जो उनमें से किसी पर या उनमें से किसी के स्वामित्व वाले किसी भी जहाज पर माल के संबंध में कोई दायित्व लागू करने का प्रयास करता है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को सीटीओ को लाभ पहुंचाने वाले सभी अपवादों, सीमाओं, प्रावधानों, शर्तों और स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा जैसे कि ऐसे प्रावधान स्पष्ट रूप से उनके लाभ के लिए किए गए थे। उनकी धारा में अभिव्यक्त उप ठेकेदार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ठेकेदार और उनके संबंधित नौकर और एजेंट शामिल होंगे। सीटीओ की जिम्मेदारियां अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में निहित हेग-विस्बी नियमों के अनुसार
जहाज़ों से लोड या अनलोडिंग के दौरान माल के नुकसान या क्षति के लिए सीटीओ की जिम्मेदारी है, सिवाय इसके कि यदि इस सीटीडी में कोई भी शब्द हेग नियमों या उक्त अधिनियम के साथ असंगत या प्रतिकूल है, तो संयुक्त परिवहन के लिए FEDAI नियम जैसे भी मामला हो। समुद्री यात्रा का दायरा। पोत को किसी भी समय टो या टो किया जा सकता है। नौवहन उपकरणों को पाल और समयोजित किया जा सकता है और सीटीओ के मास्टर, अधिकारियों, नौकरों या एजेंटों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी विवरण की परीक्षण यात्राओं में शामिल हो सकता है। डेक पर जीवित जानवर और कार्गो का हर विवरण हो सकता है। इसके अलावा वे किसी भी हद तक विस्फोटक, गोला बारूद या जंगी सामान या हर तरह के खतरनाक माल ले जा सकते हैं। पोत निहत्ते नौकायन कर सकता है और किसी भी बंदरगाह पर आगे बढ़ सकता है या रुक सकता है। शुरुआत में या यात्रा के किसी भी चरण में जहाज की अयोग्यता या अयोग्यता के बावजूद किसी भी रीति रिवाजों, नियमों या कानूनों का पालन किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में जैसे कब्जा, जब्ती, हिरासत, संगरोध, क्षति, देरी या जहाज को नुकसान, जहाज, यात्री या माल के किसी भी हिस्से की हानि रोकने के लिए असुरक्षित, अविवेकी या गैरकानूनी कारण को समझें। सीटीओ या मास्टरी के उचित निर्णय के भीतर आगे बढ़े या यात्रा जारी रखें। कोई पूर्व सूचना दिए बिना माल को भंडारण या शिल्प में छोड़ दें या मास्टर वापसी यात्रा तक या उस समय तक माल को बोर्ड पर रख सकता है जब तक कि वह या सीटीओ न हो। बिना कोई पूर्व सूचना दिए माल को भंडारण या शिल्प में उतारना या मास्टर माल को बोर्ड पर रख सकता है जब तक वापसी यात्रा या ऐसे समय तक जब तक कि वह या सीटीओ इसे जारी रखना उचित न समझे बिना अतिरिक्त भाड़ा के। युद्ध, आंतरिक विग्रह, किसी भी वाणिज्यिक या संभोग देश के सरकार द्वारा निषेध या नियंत्रण के मामले में या जहां जहाज आमतौर पर आगे बढ़ता है या कॉल करता है, यदि सीटीओ, मास्टर और उनके एजेंट नुकसान या क्षति के अधीन होंगे, इसके कारण यात्रा शुरू होने से पहले या बाद में देश या जहां वाहन आमतौर पर जाता है या कॉल करता है और इसके कारण नुकसान या क्षति के अधीन होगा, यात्रा शुरू होने से पहले या बाद में वास्तविक या प्रथागत मार्ग से अलग हो सकता है या प्रस्थान कर सकता है या किसी भी बंदरगाह स्थान पर जहाज को किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होने के बिना देरी या रोक सकता है, जो वे मुख्य रूप से सहन करते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। जलयान को किसी भी सरकार, वास्तविक सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या लड़ाकू या किसी भी राज्य या गृह युद्ध या युद्ध जैसे ऑपरेशन या कोई भी व्यक्ति जो उसके साथ काम कर रहा है या किसी भी सरकार या विभाग का अधिकार या किसी भी वाणिज्य या व्यक्ति द्वारा जहाज पर युद्ध जोखिम बीमा के साथ में शामिल संगठित निकाय द्वारा दिए गए निर्देशों के किसी भी आदेश का पालन करना होगा। यदि इनका अनुपालन दायित्व के निर्वहन की राशि के रूप में नहीं किया जाता है तो व्यापारी को सभी शुल्कों और खर्चों का भुगतान करना होगा और यदि पूरा भाड़ा प्रीपेड नहीं है तो अब इसका भुगतान व्यापारी द्वारा किया जाएगा। यदि यह प्रीपेड है तो सीटीडी इसे अपने पास रख सकता है। स्थानीय कानूनों के साथ व्यापारी का अनुपालन। व्यापारी कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्ती के लिए सीटीओ को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है या जब्ती का प्रयास, अपर्याप्त या गलत अंकन, सामग्री का विवरण, कॉन्सुलर प्रक्रिया के लिए व्यापारी की विफलता, स्वास्थ्य बोर्ड या खाते में अन्य प्रमाण पत्र की संख्या या पता माल या किसी भी बंदरगाह या स्थान पर अधिकारियों द्वारा माल के संबंध में लगाए गए किसी भी प्रकार के कानूनों या विनियमों का पालन करना। शिपर पैक कंटेनर। यदि कंटेनर सीटीओ की ओर से भरा गया है तो सीटीओ माल के नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जिस तरह से कंटेनर को भरा गया है, रखा गया है, पैक किया गया है, भरा हुआ है या लोड किया गया है। कंटेनरों में ढुलाई के लिए माल की अनुपयुक्तता। कंटेनर की अनुपयुक्तता या दोषपूर्ण स्थिति यह दर्शाती है कि कंटेनर सीटीओ द्वारा या उसकी ओर से कहाँ है। व्यापारी सीटीओ को उन कारणों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगा जो उपखंड ABC के I में वर्णित है।
माल ढुलाई आदि अर्जित। भाड़ा वास्तविक सकल भार या माप पर या सीटीओ के विकल्प पर देय होना चाहिए। सीटीओ को किसी भी कंटेनर या पैकेज को खोलने और यह जांचने का अधिकार है कि क्या उसमें कोई त्रुटि पाई गई है। सीटीओ सुधार के अनुसार अतिरिक्त माल भाड़ा ले सकता है। यदि माल ढुलाई में कोई परिवर्तन होता है तो सीटीओ इसे शिपर में एकत्र करेगा। यदि शिपर इसे समय पर भुगतान नहीं कर सकता है तो सामान्य औसत के इस अनुबंध के तहत सीटीओ माल बेच सकता है और व्यापारी को नोटिस दिए बिना उससे होने वाले नुकसान को कवर कर सकता है। ट्रांसशिपमेंट का अधिकार। सीटीओ को माल पूरी तरह या आंशिक रूप से जहाज से ले जाने की स्वतंत्रता होगी। यदि जहाज को डिस्चार्ज होने की उम्मीद नहीं है तो सीटीओ या मास्टर माल को लोड करने से पहले या लोड करने के बाद पूरे या किसी भी हिस्से को अग्रेषित कर सकता है और इसे किसी अन्य तरीके से स्थानांतरित कर सकता है। कंटेनरों में माल की डिलीवरी। सीटीओ को कंटेनरों को अनपैक करने और व्यापारी के जोखिम और खर्च पर माल को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने या सीटीओ के टैरिफ के अनुसार विलंब शुल्क वसूलने की स्वतंत्रता है यदि व्यापारी ने 48 घंटों में माल की रसीद नहीं दी। यदि किसी भी कारण से कंटेनर की अनपैकिंग की आवश्यकता है और सामग्री को चिन्ह या संख्या के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है तो माल की सफाई, तरल अवशेष और किसी भी लावारिस सामग्री को व्यापारी को डिलीवरी पूरा करने के लिए आवंटित नहीं किया जाएगा। सीटीओ कंटेनर में सामान की डिलीवरी करता है जैसे कि सीटीडी के सामने की ओर दिखाया गया है। टक्कर खंड को दोष देने के लिए दोनों। जब एक जहाज दूसरे जहाज की लापरवाही के कारण दूसरे जहाज से टकराता है तो सीटीओ सभी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा। आग। सीटीओ किसी भी समय होने वाले किसी भी हानि या क्षति के लिए जवाब देने या किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, भले ही जहाज से निर्वहन के बाद या बाद में किसी भी आग के साधन के बाद भी। जब तक कि ऐसी आग का कारण न हो सीटीओ की वास्तविक गलती या गोपनीयता। माल का निरीक्षण। सीटीओ किसी भी दायित्व के तहत किसी भी समय किसी भी कंटेनर या पैकेज को खोलने और माल का निरीक्षण करने का हकदार नहीं है। फ्लैट या पैलेट के अलावा अन्य कंटेनरों में रखे सामान चाहे सीटीओ या व्यापारी द्वारा डेक पर या डेक के नीचे व्यापारी को सूचना दिए बिना ले जाया जा सकता है। ऐसा माल सामान्य औसत में भाग लेगा और हेग नियमों के प्रयोजनों के लिए माल की परिभाषा के भीतर समझा जाएगा। अधिसूचना और वितरण। व्यापारी को माल के आने की सूचना केवल सीटीओ को देनी चाहिए। यदि व्यापारी इसे भूल जाता है तो सीटीओ किसी भी मामले में उत्तरदायी नहीं होगा। व्यापारी सीटीओ के लागू टैरिफ में प्रदान की गई समय विधि के भीतर माल की डिलीवरी लेगा। यदि व्यापारी उस समय डिलीवरी नहीं लेता है जब सीटीओ ने डिलीवरी लेने के लिए कहा है तो सीटीओ बिना किसी सूचना के माल को हटाने का हकदार होगा और सीटीओ को मांग पर व्यापारी द्वारा भुगतान के संबंध में सीटीडी को भुगतान किया जाएगा। यदि व्यापारी 30 दिनों के भीतर माल की सुपुर्दगी नहीं ले सकता है तो यह उपखंड 2 और 3 के तहत देय हो जाता है। सीटीडी के संबंध में सीटीओ से जुड़ी किसी भी सूचना और जिम्मेदारी के बिना सीटीओ गुड्स को बेच या उसका निपटान कर सकता है। स्थानीय खंड। हॉलैंड। इस सीटीडी को स्वीकार करके माल के मालिक और मालिक नीदरलैंड वाणिज्य कोड के अनुच्छेद 700 को स्पष्ट रूप से त्याग और त्याग देते हैं और सहमत होते हैं कि कार्गो या माल द्वारा किए गए नुकसान और खर्च और बलिदान भले ही अंतर्निहित वाइज असाध्यता के कारण हो, जहाज की या गलती या मास्टर या चालक दल की उपेक्षा से सामान्य औसत के मामले के रूप में माना जाएगा। यह शिपर और माल के मालिक द्वारा तदनुसार योगदान दिया जाएगा। डच बंदरगाह पर लदान शुल्क परिस्थितियों द्वारा शिपिंग के डच बंदरगाह पर शिपिंग एसोसिएशन के टैरिफ के अनुसार दिए हैं। एंटवर्प। जहाजों के एजेंटों द्वारा नियुक्त निगम द्वारा एंटवर्प के लिए कार्गो को उतारा और प्राप्त किया जाना है। परिस्थिति सभी स्वागत शुल्क का भुगतान करते हैं चाहे डिलीवरी को किनारे पर लिया गया हो या घाट पर। स्पेन। कार्गो पर सभी दिए और करों का भुगतान माल के प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाएगा। पोर्टुगल।
चेतावनी, इस सीटीडी को तब तक स्टैंपिंग के लिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह पोत के एजेंटों द्वारा मान्य न हो जाए। फ्रांस, फ्रांसीसी बंदरगाह से या उसके लिए माल की कोई भी ढुलाई सभी शर्तों, छूट और वर्तमान सीटीडी की देयता की सीमाओं और सीटीओ या कप्तान के लाभ की सभी सीमाओं और दायित्व की छूट के अधीन की जाती है। 24 अगस्त 1924 को लदान के बिलों से संबंधित ब्रुसेल्स कन्वेंशन द्वारा प्रदान किया गया। बेल्जियम, हॉलैंड और जर्मनी के लिए बैग कार्गो डिस्चार्ज के दौरान बोर्ड पर वजन करने की अनुमति केवल पोत के एजेंटों की अनुमति से है। यदि अनुमति दी जाती है तो जहाज पर इस तरह के वजन के परिणाम में जहाज द्वारा किए गए सभी अतिरिक्त खर्च और चाहे अतिरिक्त स्टीव डोरिंग शुल्क के संबंध में या अन्यथा इसके विपरीत किसी भी प्रथा के बावजूद रिसीवर के खाते के लिए होंगे। जहाज के एजेंटों द्वारा छुट्टी के दौरान किसी भी समय अनुमति वापस ली जा सकती है बिना किसी पूर्वाग्रह के। जहाज के मालिक के अतिरिक्त खर्चों की वसूली के अधिकार पर पहले से ही खर्च किया जा चुका है। लंदन, बंदरगाह के किसी भी रिवाज के विपरीत होने के बावजूद जहाज लंदन में घाट पर सभी कार्गो पहुंचने के लिए स्वतंत्र हैं। कंसाइनी एडवाइजरी स्टीव डोरिंग से परे सभी खर्चों का भुगतान करेगा। सियेरा लियोन, माल की छटाई की लागत जहाज के एजेंट द्वारा की जाती है जिसे परिस्थिति द्वारा भुगतान किया जाता है। लोहे या स्टील के एंगल्स, बार्स, चैनल्स, प्लेट्स, रॉड्स, शीट्स, टीज, पाइप्स, ट्यूब्स एंड प्लेट्स और कपलिंग्स को शिप किया जाता है। सीटीओ सही वितरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। अपर्याप्त सुरक्षा या अंकन के परिणाम स्वरूप सुपुर्दगी के स्थान पर किए गए सभी खर्च परिस्थिति द्वारा देय होंगे जब तक कि प्रत्येक टुकड़ा पंजीकृत है और स्थायी रूप से तेल पेंट के साथ चिन्हित किया गया है। प्रत्येक बंडल को सुरक्षित रूप से बांधा जाता है, विशेष रूप से और स्थायी रूप से तेल पेंट और धातु के साथ चिन्हित किया जाता है ताकि प्रत्येक टुकड़े या बंडल को निर्वहन के बंदरगाह पर पहचाना जा सके। रेफ्रिजरेटेड कार्गो, व्यापारी किसी भी माल के परिवहन के लिए निविदा नहीं देने का वचन देता है जिसके लिए उनकी प्रकृति और विशेष तापमान सीमा को बनाए रखने के लिए पहले से लिखित सूचना दिए बिना प्रशीतन की आवश्यकता होती है। व्यापारी द्वारा या उसकी ओर से पैक किए गए किसी भी प्रशीतित कंटेनर के मामले में वह आगे यह वचन देता है कि माल कंटेनर में ठीक से रखा गया है और वाहक द्वारा माल प्राप्त करने से पहले उसके थर्मोस्टैटिक नियंत्रण पर्याप्त रूप से सेट किए गए हैं। यदि उपरोक्त आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाता है तो मालवाहक किसी भी तरह के नुकसान या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा चाहे वह किसी भी तरह से उत्पन्न हो। वाहक अव्यक्त दोषों, अव्यवस्था, टूटने, रेफ्रिजरेटिंग मशीनरी के रुकने, प्लांट इंसुलेशन और या कंटेनर, पोत, वाहन और किसी भी अन्य सुविधाओं के किसी भी उपकरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा बशर्ते कि वाहक परिवहन के पहले या शुरुआत में प्रशीतित कंटेनर को एक कुशल स्थिति में बनाए रखने के लिए उचित परिश्रम करेगा। इसके साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अब आपको संविधात्मक दायित्वों की पूरी समझ होनी चाहिए जो पार्टियों को समुद्री परिवहन के संबंध में बिल ऑफ लेडिंग में बनाए रखना चाहिए। कृपया प्रश्नों और बातचीत के लिए टिप्पणी अनुभाग में हमसे संपर्क करने में संकोच ना करें। For detailed learning on all logistics subjects, visit www.logiveda.com.